दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन में अपने ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली करने वाली है, क्योंकि यहाँ दोस्तों आप शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल मैच लगाएं तो यहाँ हर बात यहाँ पर आके लास्ट में आएगी पर्स मनी के ऊपर। तो टीम केकेआर कुछ बड़े प्लेयर ज़रूर निकालेगा, क्यों इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस एक ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि उनको चाहिए एक बड़ी पर्स मनी। और बड़ी पर्स मनी के लिए टीम केकेआर क्या क्या करने वाला है ये तो हम आगे बताएंगे ही। दूसरी टीमों के बड़े प्लेयर्स रिलीज कौन कौन होंगे, क्या प्लानिंग होगी, वो भी सब बताने वाले हैं। बहुत मज़ेदार ये वीडियो है, तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। केकेआर के बड़े वाले फैनों तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन ज़रूर कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टीम केकेआर की कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग दे देता हूँ। नीतीश राणा कहीं भी नहीं जा रहे हैं, खासकर शाहबाज अहमद वर्सेज नीतीश राणा यानी केकेआर आरसीबी में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा भी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो केकेआर ने यहाँ से भी हाथ धो लिया है। इसके अलावा दोस्तों केकेआर तीन प्लेयर्स को टारगेट करेगा, पॉल स्टर्लिंग, स्टीव स्मिथ, रिद्धिमान साहा, ये तीनों ही सीनियर हैं, 30+ है। बट इन तीनों ही टारगेट प्लेयर्स में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों को नहीं, केवल एक को ही यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। देखते हैं इन तीन में से कोई एक कौन सा आता है टीम में। इसके अलावा अगर अदर टीम्स की बात करें, जो बड़े आपको शॉकिंग रिलीज देखने को मिलेंगे, अभी सिर्फ र्यूमर्स कन्फर्म नहीं है बट रिलीज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने दिन की वीडियो में बात की थी पृथ्वी शॉ की, यानी दोस्तों शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट की नाम यहाँ पर रिवील हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ को रिलीज कर सकते हैं, एसआरएच केन विलियमसन को बाहर कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम जयदेव उनाडट को बाहर करेगी, और टारगेट उनका मेन टारगेट रहने वाला है मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लानिंग यहां पर रहने वाली है साफ, एक बड़े पर्स मनी के साथ वो उतरेंगे और सैम करन के ऊपर दांव लगाएंगे। पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल को लेकर अभी भी अनश्योर है, मयंक अग्रवाल निकलते हैं तो केकेआर जरूर उन पर दांव लगाएगी, बट एलएसजी भी पीछे नहीं हटने वाली है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना पर्स मनी टीम केकेआर को लेकर जाना चाहिए मिनी ऑक्शन के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो।